वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। फैसल साले याद साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं आफिया सिद्दीकी केस का आसिफ जरदारी साहब के मुकदमे के साथ। आप वजीर दाखिला थे जब आफिया सिद्दीकी गायब हुई थी, कुछ आप बताएंगे कि आफिया सिद्दीकी किस तरह गायब हुई, किधर चली गई, और उनके मुकदमे का जरदारी साहब के मुकदमे के साथ कंपैरिजन हो सकता है या नहीं हो सकता? हम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तो बादशाह आदमी है, वो जंगल के शेर हैं। आगे एक मिसाल आप खुद जानते हैं, मैं उसके बारे में बयान नहीं दूंगा। वो जो मर्जी कंपैरिजन करते हैं, शेर अंडा दे या बच्चा दे, उसको जो मर्जी कह दें वो, ठीक है जी, वो कह सकते हैं वो। कभी एंजेलिना जोली के साथ उनकी वो हॉलीवुड की बातें भी आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना जी। अल्लाह करे हॉलीवुड एक्टिंग शुरू कर दें वो, ये भी बड़ी अच्छी बात होगी। मैं शाह साहब चीफ वेपन को कहूंगा कि उनको मशवरा जरूर दें कि हॉलीवुड भी एक नया, एक बहुत बड़ा कैनवस है पाकिस्तान के लिए। अफसोस है कि एंजेलिना जोली ने आपके साथ फिल्म में काम करने की ऑफर नहीं की, उनके साथ कर दिया। मुझे खुशी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इतने हरदिल अजीज हैं जी, ठीक है जी, कि बिलाखर किसी ने तो कुछ अच्छी बात किया उनके बारे में, ठीक है। जब हर तरफ से उनके बारे में जो बातें आ रही हैं आपके सामने है, मुझे खुद कई चीजों पे उनके मुतालिक तहफ्फुज़ात हैं। तो बात नहीं है, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट हॉलीवुड के हीरो रहे और प्रेसिडेंट बने। तो अच्छी बात है ना जी ये। अच्छा, ये भी आप, ये वैसे दो पीरों में जेलसी तो होनी चाहिए ना। ये जो पीर अभी बात कर रहा है वो ये जेलसी वाली बात है कि ये क्यों कहा उसने। देखे वो, अच्छा आपने पीरों की बात कर दी, एंजेलिना जोली पे मसला फंस गया। अच्छा मैं इसमें क्यों, आपने उनके बयान की बात की ना जी, अब हकीकत है। और मैं शाह साहब से इंतहाई माजरे से गुजारिश करूंगा कि मेरी बात का बुरा है। हमने देखे, हम अपोजिशन में, हमारा काम है ये बात करनी, हमारे पार्लिमानी जमहूरी हक हमारा ये। प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट्स को कुछ सीरियसली लेता ही नहीं है।